एकता कपूर के शो लॉकअप में खत्म हुए ब्लू टीम्स एंड ऑरेंज टीम्स, लेकिन प्रिंस नरोला के आने के बाद कौन सा नया ग्रुप हो चुका है क्रिएट, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि प्रिंस नरोला की एंट्री के बाद ही शो लॉकअप में काफ़ी कुछ चेंजेस आने लगे हैं, जहाँ कि कल रात ही ब्लू टीम और ऑरेंज टीम डिजॉल्व हो गई और अब सभी कैदी जो हैं वो इंडिविजुअल गेम खेलने वाले हैं। इस बीच जहाँ टास्क मिला इसके दौरान ही जीशान खान, शिवम शर्मा, इवन कि करणवीर बोहरा, प्रिंस नरोला, आजमा के बीच में एक बहुत ही धमाकेदार लड़ाई देखी गई। इसी बीच आपको बता दूं कि दो ग्रुप्स बनते नजर आ रहे हैं घर में, जहाँ की एक तरफ हैं प्रिंस नरोला, मुनव्वर फारीक, अंजलि अरोड़ा, शायशा सिंधे, पूनम पांडे, अली मर्चेंट और साथ ही साथ अंजलि, और दूसरी ही तरफ टीम में हैं पायल रोहतगी, आजमा फल्ला और शिवम शर्मा। वेल, आपको बता दूं कि आजमा और साथ ही साथ प्रिंस नरोला के बीच में एक आमने सामने का टक्कर चल रहा है, जहां कि आजमा फल्ला जो है प्रिंस नरोला को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रही हैं जो शायद आजमा फल्ला को बोलना भारी पड़ सकता है। वेल, इस बीच आखिरकार इन टीम्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम तो प्रिंस नरोला की समझ आ रही है, लेकिन अब आगे क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या ये टीम आगे बरकरार रहेगी या फिर इंडिविजुअली भी इन लोगों में, इन टीम्स के में ही या इन टीममेट्स में ही झगड़े होंगे, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।